द न्यूक्लियस ऑफ एन atom कंटेंस प्रोटॉन्स विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज मतलब ये ऐसे भी आ सकता है कि ऐटम के पास ज पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जो प्रोटॉन होता है उसके पास कौन सा चार्ज होता है दैट इज़ पॉजिटिव ठीक है अच्छा अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड सब पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है अगर ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग है तो मैं आपको एक ईजी वे बता दूँ कि प्रोटॉन्स स्टार्ट फ्रॉम पी सो इट हैड पॉज़िटिव चार्ज ठीक है पी पी सेम तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज हुआ अच्छा यहाँ पे एटम्स आर न्यूट्रल चार्ज ठीक है यहाँ तक एटम्स आर न्यूट्रल चार्ज ये एज अ ब्लैंक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर अच्छा ये लाइन देखिए इधर मटेरियल्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स गेट अ नेगेटिव चार्ज वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन uh, को गेन कर लेती हैं अपनी तरफ खींच लेती हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव ओके नाउ देन कम टू पेज सेवेंटी टू अच्छा यहाँ पर स्टैटिक uh, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में आ जाइए द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग टुगेदर इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये आपके लिए इजी भी है क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स में uh, ये आपका एक uh, क्वेश्चन का आंसर भी बनता है अच्छा द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गिव्स दैम एन इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है यहाँ तक करें अच्छा फिर पेज सेवेंटी थ्री आ जाए अच्छा यहाँ पर ये साइंटिफिक फैक्ट देखें लाइटनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये भी पूरा ब्लैंक आ सकता है ठीक है आ, और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि एंड इज़ कॉज्ड बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लाउड्स एज अ ब्लैंक ये पूरा भी हो सकता है और हाफ भी लेकिन आप ये पूरा ही पढ़ ले ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको पता हो कि एक तो लाइटनिंग जो है वो एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर देन दैट वो होता क्या है कॉस्ट क्या है वो जा क्या है उसकी तो ये भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है अच्छा पेज सेवेंटी थ्री में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स uh, एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है नाउ कम टू पेज सेवेंटी फोर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में सब फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली ये अंडरलाइन कीजिए साथ में इंसुलेटर्स uh, भी और मटीरियल दैट ड नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली ठीक है अच्छा फिर उसके बाद तो ये एक्टिविटी है तो इसमें एस एच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा पेज सेवेंटी फाइव में यू नो you know, में देखे वन ऑफ बेंजमन फ्रेग्रेंस इन्वेंशन वॉज द लाइटनिंग रोड ये अंडरलाइन कीजिए सारा कि उनका जो पहला इन्वेंशन था वो क्या था लाइटनिंग रोड का था लाइटनिंग रोड करता क्या है प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग ठीक है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लैंक हो सकता है आ, अच्छा फ्यूज़ में आ जाइए यहाँ पर फ्यूज़ का ये देखिए अ फ्यूज़ इज़ अ वायर मेड ऑफ मटेरियल विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट ये अंडरलाइन कीजिए अच्छा फिर पेज सेवेंटी सिक्स में आ जाइए कार्टिलेज फ्यूज़ जो है इसका द मोस्ट कॉमन फ्यूज़ यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूज़ ठीक है तो ये अंडरलाइन uh, कीजिए ताकि आपको पता हो कि कॉमन फ्यूज हमारे पास कौन सा है दैट इज़ कार्टरेज ऑटोमोटिव फ्यूज दे आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू ग्रेडिड करंट एंड कम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक ठीक है ये पूरा लाइन अंडरलाइन कीजिए और स्विच uh, फ्यूज़ में अ हैंडल दैट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट हाई करने अच्छा ये नहीं स्विच स्विच फ्यूज़ में ये इट इज़ कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड सर्किट ब्रेकर बोर्ड्स ये अंडरलाइन कीजिए कि स्विच <coughs> फ्यूज जो होते हैं वो कॉमनली घरों में पाए जाते हैं अच्छा मैग्नेट्स पे आ जाइए मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ मेटल विद मैग्नेटिक फोर्स अंडरलाइन दिस लाइन मैग्नेट्स हैव टू एंड्स नोन एज पोल ये भी अंडरलाइन कीजिए मैगनेट्स कैन भी परमानेंट और टेम्प्रेरी और दे कैन भी एलेक्ट्रो मैगनेटिक ठीक है अब इस ब्लैंक में ये आ सकता है कि डैश कैन भी परमानेंट और टेम्प्रेरी ये सारा कुछ और या मैगनेट्स कैन भी परमानेंट टेम्प्रेरी और इलेक्ट्रो मैगनीटिक ये एज अ ब्लैंक आ सकता है अच्छा द लार्जेस्ट मैगनेट ऑन अर्थ इज़ द अर्थ इट सेल्फ ये भी अंडरलाइन कीजिए और अच्छा उसके बाद व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म पे आ जाइए मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट इन्वॉल्स ऑब्जेक्ट्स रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग वन इन अदर ये अंडरलाइन कीजिए एंड यहाँ पर है रिपेलिंग मीन्स पुशिंग अवे ये भी अंडरलाइन कीजिए ठीक है सही है अच्छा पेज सेवेंटी सेवन पे आ जाइए यहाँ पर तो मैग्नेट का बताया है और साथ में एक्टिविटी है अच्छा इसका सबसे फर्स्ट लाइन देख मैग्नेटिज्म वर्क्स व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ठीक है तो ये भी अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर मैग्नेटिज्म एज अ ब्लैंक में आ सकता है नाउ कम टू पेज सेवेंटी एट यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है साथ में साइंटिफिक फैक्ट है लेकिन एज uh, सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट uh, नहीं है अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट ये अंडरलाइन कीजिए अच्छा मैग्नेटिक आयरन फीलिंग्स नियर द पोल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैगनेट्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये लाइन भी अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एज अ ब्लैंक आ सकता है और ये मैग्नेटिक आयरन भी एज अ ब्लैंक आ सकता है नाउ कम टू पेज सेवेंटी नाइन यहाँ पर भी uh, कुछ खास नहीं है बस ये अंडरलाइन कीजिए मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एज वेल तो मैगनेट्स एज अ ब्लैंक में आ सकता है पेज एटी पे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स पे आ जाइए अच्छा यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स ठीक है तीन टाइप्स के मैग्नेट्स हैं पहला हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट तो ये अंडरलाइन कीजिए कि परमानेंट मैग्नेट्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक ये अंडरलाइन कीजिए तो ये आ सकता है कि डैश मैग्नेट्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो कौन से हैं वो परमानेंट हैं टेम्प्रेरी मैगनेट्स विच एक्ट मैगनेट्स विच एक्सपोज टू अ अस्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है like magnets, uh, field, ये भी अंडरलाइन कीजिए फील्ड तक और इलेक्ट्रो मैगनेट्स आर अ टाइप ऑफ टेम्प्रेरी मैगनेट क्रिएटेड बाय द फ्लो ये पूरा अंडरलाइन कीजिए अब इसमें दो ब्लैंक्स ईजीली बन सकते हैं कि डैश और या डैश इज़ अ टाइप ऑफ टेम्प्रेरी मैगनेट ठीक है फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट्स में यहाँ पर आप एन इलेक्ट्रो मैगनेट इज अ मैगनेट कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी अंडरलाइन दिस लाइन और दूसरा लाइन ये अंडरलाइन करें इलेक्ट्रो मैगनेट शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म ठीक है अच्छा यहाँ पे इधर से इधर तो फिर कुछ भी नहीं है पेज एटी वन पे ये तो आ, सारा वो एक्टिविटी के बारे में बताया गया है इन कम टू तो द लास्ट पेज एटी टू द मेन बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेट इज़ दैट द पावर इज़ ओनली जनरेटेड वैन इट इज़ नीडिड तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रो मैगनेट एज अ ब्लैंक आ सकता है द के द मेन बेनिफिट ऑफ डैश इज़ दैट द पावर इज़ ओनली जनरेटेड वैन इट इज़ नीडिड सो दैट्स इट आई होप यू अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ दिस चैप्टर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू